सॉरी, आई वॉज ऑन दी अदर, गलत पेज सेलेक्ट हो गया था, तो 15 मिनट का लेक्चर हो गया था, बट आई स्टार्ट इट अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वही जो मैंने बात उधर बोली है कि जो असाइनमेंट्स आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्यूरी क्वेश्चंस एज टू, 1 मिनट, एज टू हाउ टू गो अबाउट दी असाइनमेंट्स, कि असाइनमेंट्स कहाँ पे हमने कहाँ पे असाइनमेंट्स आपने डिपॉजिट करनी है. वेल, इसके लिए आपको यू विल हैव टू टॉक टू द रीजनल सेंटर, मिस्टर तेजपाल एंड अदर ऑफिशियल्स, जो जो जस्ट गिव मी मिनट. थोड़ी चार्जिंग की प्रॉब्लम हो गई थी. सो यू विल हैव टू गो टू द साइट, और वहाँ कैसे असाइनमेंट्स डालेंगे वो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी. आई एम नोबडी टू डिसाइड. आई हैव बीन गेटिंग क्वेश्चंस एज टू हाउ दैट वी शुड डू सम लेक्चर्स ऑफ एमए पार्ट टू ऑल्सो. वेल, अगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट दी अथॉरिटीज, एंड विद दिस वी ऑलरेडी रन आउट ऑफ 15 मिनट्स बिकॉज आई वॉज ऑन अ रॉन्ग पेज, आई बिलीव. थैंक्स टू मिस्टर तेजपाल फॉर रिमाइंडिंग मी. सो आई स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर अगेन. जो पहला चैप्टर है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, विच इज़ वेरी ईजी. आई डिस्कस्ड जस्ट, आई डिस्कस इट अगेन. आई स्टार्ट एज इफ आई एम स्टार्टिंग अ लेक्चर अगेन. एंड यस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. एज स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, आपको पता ही है कि इंडिया की क्या स्ट्रगल है. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी ईजी. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट हाउ इंडिया स्ट्रगल्ड. और इसमें आई वुड लाइक टू डिस्कस द केस ऑफ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला वॉज सेंटेंस टू जेल फॉर 27 ईयर्स. ही वॉज इन प्रिजन बिकॉज अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, विच इज़ कॉल्ड अपार्थीड, APARTHEID, अपार्थीड, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. So we should be proud that the people of South Africa they carried on their struggle against the Pretoria regime according to the principles of Mahatma Gandhi, non-violence and ahimsa, right? अब ये Pretoria regime क्या थी? The whites were ruling over the blacks, and जो blacks थे उनको अपने ही land से हटा के स्लम्स में, झुग्गी झोंपड़ियों में, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द एरिया, देर वे सम एरिया डिमार्केटेड जहाँ पे वी हैड टू, द ब्लैक्स हैड टू स्टे. एंड अगर उन्होंने वाइट के कॉलोनीज में काम करने आना होता था, दे वे गिवन पासिस, एंड दैट ऑल्सो फॉर 8 आवर्स. उसके बाद अगर वो वहाँ घूमते, अपने ही लैंड में घूमते पाए जाते थे, तो दे वे पनिश्ड, राइट? सो जैसे इंडिया में था दैट इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन क्लब्स एंड सो ऑन. सो दैट सेम, सो यू हैव टू नो द स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन पीपल. एंड इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द होल वर्ल्ड डिड नॉट लाइक दिस डिस्क्रिमिनेशन. सो वी स्टार्टेड, द होल वर्ल्ड डिड नॉट डू ट्रेड विद चाइना, यूके ने किया, राइट? सो मच सो दैट इंडिया एंड मैनी कंट्रीज डिड नॉट एग्री टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो. मैं क्रिकेट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्रिकेट इज़ अ नेशनल हॉबी. सो इन नोबडी, मैनी कंट्रीज एक्सेप्ट यूके डिड, साउथ अफ्रीका हैड, एंड यू नो इट, हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट उसमें एक भी ब्लैक नहीं था. सो बिकॉज ऑफ दैट द वी हैड बॉयकॉटेड साउथ अफ्रीका. इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडिंग नेशंस. And then South Africa got independence, and वहाँ पे Nelson Mandela president बने, और उनकी जो autobiography आप ज़रूर पढ़ें, Walk to Freedom, right? दूसरा chapter था intervention and invasion, जिसमें आपने बात करनी है वियतनाम को, अफगानिस्तान, कॉन्गो, that during the Cold War they were जहाँ भी लड़ाई होती थी, या USA and USSR would just interfere into any country. USA can even interfere today. It has some excuses. One of the most favorite excuses, human rights are being violated, ki manav adhikaron ki ulanghna ho rahi hai. So they decide how, which are the human rights, how are they being violated, etc. kaise manav adhikaron ki ulanghna ho rahi hai, right? So ye aapka intervention and invasion, bada easy chapter hai.
और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में आपने ये बात देखनी है दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स व्हेन अ स्टेट व्हेन द पीपल ऑफ अ कंट्री ऑफ अ स्टेट वांट फ्रीडम, व्हेन दे से हमें प्रभु सत्ता चाहिए, हम अपने डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, वी वांट टू टेक आर डिसीजंस आवरसेल्व्स, सो दैट इज़ व्हाई दैट इज़ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू एसोसिएट विद इट. वाई? बिकॉज वी हैव ग्रोन अप रीडिंग इंडियन हिस्ट्री एंड कैसी स्ट्रगल रही अपनी आज़ादी प्रभु सत्ता लेने के लिए. नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि ये न्यूक्लियर आर्म्स की रेस क्या है. अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ तक हमारा लेक्चर हुआ था. तो न्यूक्लियर US की मोनोपली रही बहुत देर के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पे. फॉर अ लॉन्ग टाइम देवेर USA हैड अ मोनोपली. इट डिड नॉट वॉन्ट एनी अदर स्टेट. USSR ऑफकोर्स बिकेम न्यूक्लियर. दैट इनमें तो कोल्ड वॉर चल रहा था. दे एक्सपेक्टेड USSR टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, बट बिसाइड्स दैट दे वॉन्टेड टू रिस्ट्रिक्ट द एलीट न्यूक्लियर क्लब, राइट? कि ये जो विशिष्ट वर्ग है ना, जो न्यूक्लियर क्लब है, विशिष्ट क्लब है, इसमें कम से कम लोग हो. दे शुड बी वेरी लेस पीपल स्टेट्स. सो दे न्यू दैट इंडिया इज प्लानिंग पोखरान के बाद दे वॉन्टेड अस टू साइन द CTBT ट्रीटी. नाउ वॉट इज़ द CTBT ट्रीटी? कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. अगर हम वो साइन कर देते, इट वुड बी अ प्रॉमिस फ्रॉम आर साइड दैट वी विल नेवर बिकम अ न्यूक्लियर पावर. एंड अगर हमने कहा कि चाइना आर नेबर इज़ अ न्यूक्लियर पावर एंड इफ इट अटैक्स देन वॉट, अमेरिका सेड वील गिव यू हेल्प. अब आप सोचिए, वाई डिड वी नॉट साइन इट? अ न्यूक्लियर अटैक वुड टेक लेस देन अ मिनट. अब एक मिनट में, ठीक है, देर इज अ हॉट लाइन बिटवीन द अमेरिकन प्रेजिडेंट एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बट they would help with certain conditions that we'll help you if you do this, if you open your borders, if you give us landing rights, etc., etc. And within that 1 minute or even 5 minutes, India would be finished. So we said, having a enemy like, or having a neighbor like China does not allow us to sign the CTBT, because it negatively affects our national interest. कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं. पाकिस्तान ने इसलिए नहीं साइन किया, दैट वी विल साइन इट द डे इंडिया डज इट, राइट? सो द डे वी बिकेम न्यूक्लियर, पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट सून आफ्टर अस, राइट? सो न्यूक्लियर अच्छा, अब मज़ेदार बात ये हुई है, या द डेंजरस थिंग इज दैट US वॉन्टेड दैट द न्यूक्लियर क्लब शुड बी मिनिमम. But when the USSR broke down into 15 republics in 1991, जो USSR था वो 15 गणतंत्र में टूट गया, डिसॉल्व हो गया, जिनको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहते हैं, राइट? मैंने पहले ही बताया था, अजरबैजान, एस्टोनिया, लैटविया, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, ऐसी उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ हैं. Now, USSR never thought it would break down like this, right? कि ऐसे टूट जाएगा. तो they had put missiles and nuclear programs in different parts of the country, so that the striking distance is minimum. कि जब अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होगा तो हमारी मिसाइल जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँच सके, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे. Now, when it broke down, those small countries, Russia, USSR was the biggest country geographically, it is still the biggest country. अब जो बाकी states थे, जो मैंने इनका नाम लिया, उनमें से कई states में जहाँ nuclear program लगाया हुआ था as part of USSR, right? अब वो क्या हो गया, वो countries बन गई हैं. They have become countries, they have become states, and they have nuclear power. So suddenly in 1991, पहले आप गिन सकते थे उंगलियों पे, दैट दीज आर द न्यूक्लियर पावर्स, राइट? सडनली देयर वाज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब एक्सपैंड हो गया एक क्लब, जिसके करके इंडिया को भी अपना वी स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स ऑफ बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर, बिकॉज चाइना के साथ साथ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, विच आर वेरी नियर टू अस, दे ऑल्सो बिकेम न्यूक्लियर पावर. एंड यहाँ इतनी गड़बड़ है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, there is so much of upheaval
दैट देर आर चांसेस दैट द न्यूक्लियर वेपन्स कैन फॉल इन टू द रॉन्ग हैंड्स दो वी प्रे इट शुड नॉट हैपन. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स द जियो पॉलिटिक्स इन माइंड, जियो पॉलिटिक्स इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट इन पोलिटिकल साइंस. इट्स हाउ जोग्राफी इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द जोग्राफी ऑफ अ रीजन. कि जब हमारे पॉलिसी मेकर्स कोई भी वेन एवर दे मेक अ पॉलिसी दे हैव टू कीप द नेबर्स इन माइंड, द इमीडिएट नेबर्स, द एक्सटेंडेड नेबर्स. सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर. एंड हाउ वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, अगर आपने परमाणु मूवी देखी है जॉन अब्राहम की, नहीं देखिए तो प्लीज़ देखिए, यू गेट अ वेरी गुड आइडिया हाउ वी ट्रिक्ड USA इनटू बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर. सो आई लाइक, एज आई जस्ट टोल्ड यू, आई लाइक टू रीड. एंड मैंने ये पढ़ा था दैट उस टाइम इंडिया टुडे में बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी दैट ओनली द टॉप 5 पीपल इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर न्यू, द डिफेंस मिनिस्टर इंक्लूडिंग द डिफेंस मिनिस्टर न्यू दैट इंडिया इज़ गोइंग टू डू अ न्यूक्लियर प्रोग्राम. और हमने उसमें द साइंटिस्ट, द गवर्नमेंट हैड सेट अप एन एंटायर विलेज. सो सैटेलाइट्स को ये लगा दैट बिकॉज द यूएस सैटेलाइट्स कैन सी एज अ जस्ट सेट एन एंट ऑन द ग्राउंड, नथिंग एस्केप्स देयर आईज. सो उनको ये लगा दैट वी आर इट्स जस्ट अ लोकल विलेज, बिकॉज जो आपके वहाँ जो काम कर रहे थे वो भी उन्हीं कपड़ों में, राजस्थान के कपड़ों में, गांव वालों के कपड़े में ढूंढते घूमते थे. एंड सडनली वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर. सो इट्स अ इट वॉज अ ब्यूटिफुल रिटन, ब्यूटिफुली रिटन आर्टिकल विच आई रिमेंबर टिल टुडे, राइट? एंड फेल्ट वेरी प्राउड एज एन इंडियन. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल टेररिज्म. I think I really don't need to explain it because there are a lot of other chapters which I can explain. Atankwadi, right? Antarrashtriya Atankwadi. I can just tell you two lines. That a terrorist knows no boundaries. A terrorist knows no family. A terrorist knows no religion. A terrorist knows no state. Right? ये जो आतंकवादी हैं, इनका ना घर होता है, ना फैमिली होती है, ना रिलीजन होता है. बिकॉज नो रिलीजन, सम ऑफ यू माइट बी टेकिंग द नेम ऑफ इस्लाम दैट वहाँ ऐसा कुछ सिखाया जाता है, नो. आई हैव बीन डूइंग बुक रिव्यूज़ फॉर द ट्रिब्यून एंड थैंक्स टू द ट्रिब्यून मैंने कोई 100-150 बुक्स, 102 बुक्स का बुक रिव्यू किया जिसमें मुझे ऐसे ऐसी बुक्स दी जाती थी बाय द एडिटर, असिस्टेंट एडिटर मिस्टर रुपिंदर सिंह, विच आई वुड हैव नेवर रेड. बट व्हेन यू आर रिव्यूइंग अ बुक यू गेट टू रीड एवरी बुक. सो आई रेड मेनी बुक्स विच आई वुड नॉट हैव अदरवाइज रेड. एंड असगर अली इंजीनियर एक इस्लाम पे लिखते थे और मैंने उनकी बुक से ये सीखा, उनकी बुक से, आर्टिकल से ये सीखा दैट it is not the religion which tells people to fight and kill, it is the interpretation, right? usko hum usko translate kaise karte hain, kaise sikhaya jata hai, that is wrong, right? So we are living in very delicate times where or I am very proud of being an Indian and living in a secular country, right? So I would not, and I have students who are from this community and they are very nice, very dynamic. I have friends. So don't blame, no religion teaches, it is the interpretation. Or interpretation bhi isliye kyunki paisa hai, right? Kyunki paise bante jate hain marne ke liye, right? So this is how I don't want to name some Muslim told me, I don't want to name him because it would lead to problems for him. He said करोड़ों में पैसा आता है और लाखों में बांटा जाता है. सो इट्स नॉट रिलीजन विच इज़ बैड, इट इज़ द पीपल हु प्रोपोगेट इट बिकॉज दे आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट. दे उनके जो लैविश लाइफ स्टाइल है वो फाइनेंस करता है टेररिज्म. सो इंटरनेशनल टेररिज्म, एंड बिलीव मी नो कंट्री इज सेफ फ्रॉम टेररिज्म, राइट? इट पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ है, इंडिया में हुआ है, मुंबई में 2 बार, देन USA में हुआ है, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड यू नो USA यूज टू से दैट वंस USSR एंड कॉम्युनिज्म, नॉट USSR, सॉरी, वंस कॉम्युनिज्म इज़ फिनिश्ड, उनका पूरा जोर लगा हुआ था टू फिनिश ऑफ कॉम्युनिज्म. कि जब हम ये मार्क्सवाद को ख़त्म कर देंगे ना, वर्ल्ड में और कुछ नहीं हमारे लिए चैलेंज करने को.
नाउ दे से दैट कॉम्युनिज्म एटलीस्ट वॉज अ विजिबल एनिमी, हमें दिख तो रहा था ना, राइट, वॉट इज हैपनिंग. टेररिज्म इज इनविजिबल, राइट. देर वॉज अ केस अमेरिका में, वन डॉक्टर, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर सॉरी, ही वॉज अ कंपाउंडर, उसकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई. नाउ ही वॉज अ मुस्लिम हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, राइट. And he never went to the mosque also regularly. His parents were good human beings. He was, uska, jab usne terrorist act kiya, he fired upon in the canteen, jahan sab khana khaya tha, achanak ek din usne firing ki. And he killed many of his colleagues who were very dear to him. So the world was shocked, his parents were shocked. To sara uska record dekha gaya school ka. That did he ever do any discrimination on the basis of color? क्या उसका किसी क्रिश्चियन या किसी और बच्चे के साथ या any trait in which दिखा गया कि he is उसमें उसने कुछ उसके साथ injustice हुआ है या that he has felt that उसने कुछ ऐसे traits निशानी दिखाई हैं जिसके साथ वो fanatic दिखा हो? No, he had friends who were Christians, who were whites. He hardly went to the mosque, se pucha gaya. He hardly went to the mosque also to say his prayers on Friday. Then they hacked his computer. And then they got saw a lot of mails from some address in Libya. And then they connected the dots and raid Libya mein jahan raid ki gayi. Wahan ek tooti building mein, ek aise kamre mein jahan aap socho koi rehta bhi nahi hai. Nobody staying there. One man was staying in, one terrorist was staying in a room, and through the computer, God knows he was influencing how many people. So this man who grew up was influenced by internet. Now how can you control the internet? How can you control preaching? So USA says that we just don't know how to meet this enemy. Communism was nothing. Marxwise to kuch tha hi nahi. ये जो डर है, ये जो आतंकवादी है, कैसे फैलता है? बिकॉज इट जस्ट नीड्स द पुशिंग ऑफ अ फ्यू बटन्स टू ब्रेन वॉश समबडी. एंड इफ इट हैपन्स एवरी डे इन प्रिवेसी ऑफ योर हाउस, नो गवर्नमेंट कैन स्टॉप इट बिकॉज आपका अधिकार है. सो इंटरनेशनल टेररिज्म इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. जितना आप पढ़ेंगे उससे न्यूज़ पेपर्स अगर आप पढ़ते रहे तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी ईजी. Then role of science and technology in international relations, like global, हमने मैंने कल भी कराया था. Marshall McLuhan ने word use किया था global village, that because of science and technology there has been a massive increase in migration, movement of people during corona times. I am getting astonished that 80,000 people still have to come to India. So जो भारत का वो मिशन था, भारत सेतु, जिसमें इंडियंस हैव बीन ब्रॉट बैक बाय द नेवी शिप्स एंड स्पेशल फ्लाइट्स. अरे इंडिया में इतने लोग हैं, ये और कहाँ, एक तो जैसे लग रहा है मिनी इंडिया वापस आ रहा है. सो फ्रॉम दिस वी रियलाइज दैट पीपल हैव, बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल आर ट्रैवलिंग मोर फॉर वर्क, फॉर एडवेंचर, फॉर हॉबी एट्सेट्रा. And science and technology ने local को global बना दिया, right? That you could sit in one street, one mohalla of Varanasi, and your sarees could be delivered to America also, right? So this is what is science and technology. But suddenly everything has failed because of corona, right? That maybe borders will be more strict. So science and technology, ये जो हम, I think as I've always been saying, books will have to be rewritten all over again because of corona. Science and technology karke, what better example, achanak mujhe khyal aaya that online classes, I was never the one to be comfortable with online classes, but thanks to science and technology you have people taking online classes and not being deprived of anything. Then inequality among states, maine aapko kal ye pehle hi karwa diya, that all the states which are above the equator, जो इक्वेटर से ऊपर नदन हेमिस्फेयर में स्टेट्स हैं वो अमीर हैं, वो हमारे सिर के ऊपर अमीर बनी है. सो दैट इज़ वाई दे इज ले बिग इनइक्वालिटी, ग्रेट इनइक्वालिटी, बहुत असमानता है नदन और सदन हेमिस्फेयर की स्टेट्स में, जिसको
हमने पूरा करने के लिए वी हैव टॉक्ड अबाउट अ न्यू प्रिंसिपल कॉल NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर विच दी डिवेलप्ड कंट्रीज आर नॉट रेडी टू बाय, राइट? देन ग्लोबल कोऑपरेशन एंड स्टेट सोवरेनिटी, अगेन आई टोल्ड यू दैट बुक्स विल हैव टू बी री रिटन. अभी तक मार्च 15 तक इट वॉज ग्लोबलाइजेशन, राइट? कि पूरा वर्ल्ड और भी श्रिंक हो जाए. अगर अब 8 घंटे लगते कहीं पहुंचने को, इट शुड टेक अस 4 hours, दैट्स व्हाट वी वांटेड, सुपरसोनिक जेट्स एंड ऑल दैट. एंड स्टेट्स वेयर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, राज्य एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे. कोऑपरेट तो अब भी हम कर रहे हैं, कोरोना के लिए बहुत कोऑपरेशन है, बट अचानक हमारे जो बॉर्डर्स फ्लूइड हो गए थे, बड़े लिबरल हो गए थे, बड़े ओपन हो गए थे, पोरस हो गए थे, दैट इट वॉज ईजियर टू गेट अ वीज़ा एंड सो ऑन. सडनली स्टेट्स वेर इनकरेजिंग टूरिज्म आए, जैसे अभी यूरोप के कई प्राइम मिनिस्टर्स ने कहा दैट दिस समर्स ऑफ यूरोप विल बी लाइक नो अदर, बड़ा रिसेशन आएगा बिकॉज टूरिस्ट नहीं जाएगा. सो बॉर्डर्स हैड बिकम वेरी पोरस, पोरस मतलब आना जाना बहुत हो गया था. सडनली दैट इज़ ऑल गोइंग टू चेंज, रादर वी आर सेइंग दैट लॉक द बॉर्डर्स, राइट? लॉक द बॉर्डर्स कि कोई बाहर से ना आ सके बीमारी लेके. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सम अदर स्टेट, यू हैव टू बी क्वारंटाइंड, राइट? वहाँ आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा. पहले इन 14 days यू वुड रोम अ सिटी एंड कम बैक, यू नो, एवरी डे मीन्स एक्स्ट्रा मनी. नाउ फॉर 14 days यू हैव टू गो एंड गेट क्वारंटाइन एंड देन रोम अराउंड. सो योर 1 week ट्रिप is going to extend up to more than 3 weeks. So the cost will double, so there will be less people going and franchises. The whole world is going to change, right? So cooperation ki baat ho rahi thi, aur there was a thought that we should become a world state, right? That you should just be able to drive from India to America, right? But suddenly now the checkups in each border and every state will say we don't want any other corona case, so maybe the borders are going to become more strict. So ye pata nahi tha hame, par ab hamari books thodi obsolete ho gayi hain, thodi purani ho gayi hain because of corona. Then the next topic is human rights and international trade. International trade, is very important. No country is self-sufficient. No state is self-sufficient. किसी के पास oil है तो food grains नहीं है, किसी के पास food grains है. If you have food grains, you don't have oil. If you have wheat, you don't have maybe corn. So trade तो होना ही है, right? आदान प्रदान तो होना ही है. व्यापार के बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती, because no country is self-sufficient. And every population wants all the needs to be fulfilled. So international trade will go on, but now has always been very important. Rather, because of trade, the world has science and technology has been developed, or because of science and technology, trade is happening more rapidly. They are complementary to each other. So now we can proudly say that India is making 2 lakh PP units per day. So ये नया trade काम शुरू हो गया है. So trade keeps changing and is expanding, bringing the world closer. Human rights, मानव अधिकार, right? ये बड़ा controversial issue है. There is an international body called Amnesty International which sees to it whether your human rights are being respected or they are being violated. Amnesty International है एक international body है जो देखते हैं कि किसी भी राज्य में मानव अधिकारों की उल्लंघना ना हो, right? And you all know December 10th is celebrated as International Human Rights Day. उस दिन Nobel Prizes दिए जाते हैं जो decide हो जाते हैं by October, November. They are given, announced on December 10th. It's International Human Rights Day, right? The world listens to Amnesty International, but at national level, every country and every state, every unit has its own Human Rights Commission. India mein you have the National Human Rights Commission. Har state ka apna Punjab Human Rights Commission hai, Haryana Human Rights Commission hai.
जिसमें दोज पीपल आर टेकन हु हैव वर्कड फॉर द पीपल हु आर एन अथॉरिटी ऑन लॉ इन लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स एट्सेट्रा राइट. सो दे ऑल टेक गाइडलाइंस फ्रॉम एमनेस्टी इंटरनेशनल AMNESTY. पर USA इसको गलत यूज़ करता है टू इंटरफेयर इन टू अदर कंट्रीज. इफ़ समबडी फ्रॉम USA इज़ हियरिंग इट, आई थिंक आई नेवर गेट माई वीज़ा फ्रॉम USA. एंड चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर. वंस अपॉन अ टाइम अमेरिका वॉज ऑल इन ऑल, इफ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बाय यूनाइटेड किंगडम, अगर जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं. बट जर्मनी को रोकने में सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसकी लीडरशिप थी? यूनाइटेड किंगडम की. बट बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड किंगडम हैड लॉस्ट इट्स मैनी कॉलोनीज और वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग मैनी कॉलोनीज. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ड्रेन्ड इट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूनाइटेड किंगडम को बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया था. USA हैड टू जम्प इन टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इट हैड नो प्लान्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज उनकी एक पॉलिसी थी कि पहले हम डोमेस्टिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन वी विल वेंचर आउट इन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस. बट वेन दे सॉ दैट द बैटल वॉज स्लिपिंग आउट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स हैंड्स, दे हैड टू जम्प इन एंड दे सेव द सिचुएशन. एंड उसके बाद अमेरिका बिकेम अ फोर्स टू रेकन विद. And then Cold War started, then it was a bipolar world, दो powers में विभाजित था. और USSR के जाने के बाद the world has become a unipolar world, that means there is only one power, that is USA, right? And USA को कौन कर सकता है challenge? China. But trade is such an important thing that though आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट, बट चाइना में एक विघर कम्युनिटी है. स्पेलिंग उसके UIGHAR है, पर उसको कहते हैं विघर हैं. दे आर मुस्लिम्स एंड दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन, आई बिलीव वट एवर आई हैव रेड दैट देर लॉट ऑफ एट्रॉसिटीज़ बीइंग कमिटेड ऑन द विघर कम्युनिटी. नाउ अमेरिका सेज अमेरिका हैज़ टेकन ऑन इट सेल्फ द रोल ऑफ अ वर्ल्ड पुलिसमैन. बट चाइना में इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अमेरिका डज नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. एमनेस्टी इंटरनेशनल डज नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. वाई? बिकॉज ट्रेड इज इम्पॉर्टेंट. सो ह्यूमन राइट्स एज आई हैव टोल्ड यू इज़ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. देन वी हैव चाइना एज एन इमर्जिंग पावर. नाउ अगेन आई रियली डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑफ दिस बिकॉज अगेन द होल वर्ल्ड हैज़ फाइल्ड बिलियन ट्रिलियन of a case against China for the damage which it had caused because of coronavirus which has come out from one of the labs of China. So America and Japan and many countries are pulling out from China. And kal ki news thi ki Wuhan mein China has banned any some animals to be eaten, right? Wild animals to be eaten. But let's see how it goes. But yes, China is a force to reckon with because they supply goods to each and every state, and they have goods of every quality, the best, the cheapest. They produce according to the state, right? And they plan years in advance. Again, thanks to my habit of reading, हमारे यहाँ क्या होता है कि इफ ओलंपिक्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन, जैसे 2020 में होने थे जापान में, कैंसिल हो गए. चलो वी अज्यूम दैट ओलंपिक्स में टीम द ओलंपिक्स वे गोइंग टू बी हेल्ड इन जुलाई 2020. तो इंडिया में द टीम इज अनाउंस्ड इन वुड बी अनाउंस्ड समवेयर इन आई थिंक 2019, राइट? एंड देन द पार्टिसिपेंट्स वुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड सेटिंग दो स्टैंडर्ड्स. I was astonished to read in 2000 in one of the newspapers that China is, you know, in the Olympic medal list, America is usually number one and then China. So in 2000, I read that the Chinese are already planning for the 2024 Olympics. They plan so much in advance that tally by tally, yes, usme उनके ह्यूमन राइट्स का वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, राइट? दैट आई ऑल्सो रेड दैट दे टेक अ चाइल्ड फ्रॉम
द पेरेंट्स दे टेल द पेरेंट्स दैट ओके स्विमिंग करते देखते हैं और योर डॉटर और सन इज़ गोइंग टू बी इज़ अ वेरी गुड कैन मेक अ वेरी गुड जिमनास्ट और अ स्विमर एंड पूछा नहीं जाता है बस बताया जाता है एंड देन द ट्रेनिंग इज़ टेकन ऑन बाय द स्टेट राइट एंड इफ़ यू रिमेंबर द चाइनीज ब्रेक अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स राइट जो स्विमिंग करते हैं दे ब्रेक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स नाउ उसके पीछे क्या कहानी है दैट द चाइल्ड इज़ पुट इन टू अ ग्लास चेम्बर एंड टाइम इंक्रीज किया जाता है कि आज आप यू आर गोइंग टू स्टे विदाउट ऑक्सीजन फॉर 30 seconds देन टुमारो इट इज़ गोइंग टू बी 50 इफ़ यू कैन होल्ड ऑन फॉर 50 इट इज़ गोइंग टू बी 60 seconds इफ़ यू कैन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 60 देन नेक्स्ट टाइम इज़ गोइंग टू बी 80 मतलब बियॉन्ड योर बॉडी स्टेमिना लगा के सो इतना वो उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है दे डोंट केयर फॉर ह्यूमन राइट्स दे डोंट केयर कि बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है टू स्टे विदाउट ऑक्सीजन और विद सच रिगरस ट्रेनिंग बट द मोर यू होल्ड योर ब्रेथ द मोर यू कैन स्टे अंडर वाटर एंड यू नो यू स्टॉप लेस बट उन एथलीट्स का जब से वो कोई एस्केप कर जाता है या मीडिया के थ्रू कहानी बताते हैं दैट बाय द टाइम दे आर दे विन मेडल्स एंड दे ऑल्सो डू दिस वाई बिकॉज पेरेंट्स और बच्चे भी इसमें क्यों पार्ट लेते हैं बिकॉज वन ओलंपिक मेडल एंड यू आर अबव द पॉवर्टी लाइन राइट यू गेट लॉट ऑफ इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बट बाय द एज ऑफ 30-32 दे लुक एज इफ आई हैव सीन पिक्चर्स ऑफ वुमेन एथलीट्स whom I had seen in Olympics and at the age of 34-35 they look 60 years right why because their body has been ravaged right so but there America will not say anything so this is the kind of planning which goes in China and there are western thinkers western adventurers jo escape karke China mein interiors mein gaye hain right of course they were caught and then they were thrown out of China उन्होंने ये बताया है कि जो आप शंघाई में देख रहे हो दैट इट्स एन ओपन कंट्री विच इज़ प्रोग्रेसिंग इट्स ओनली इन सम सिटीज़ ऑफ चाइना इफ़ यू गो टू द कंट्री साइड अगर आप गांव में जाओ तो आपको ऐसी ऐसी मानव अधिकारों की उल्लंघना की बातें पता चलेगी व्हाट आई हैव रेड वन लेक्चर वुड बी टू शॉर्ट टू डिस्कस ऑल दैट यू इट इज़ हैरोइंग ये बहुत डेंजरस लगता है एंड थैंक गॉड वी आर नॉट बॉर्न इन चाइना then emergence of central asian republics which i just told you ussr ke agar aap please aaj map zarur dekh le estonia latvia lithuania azerbaijan turkmenistan uzbekistan jiska capital samarkand hai all these states jo mongolia ke upar hai these are the central asian republics at the moment every state wants to have good relations with them why because they have resources they are nuclear weapons equipped and tourism bahut hit hai resources bahut hai and they have everything which the world is looking forward so india is one of the states which wants better relations with the central asian republics aur inke beech mein bhi kafi civil war chal raha hai russia mein chechnya aur dagestan do jagah hai which wants to separate from russia Armenia में भी there is a province which wants to leave and join Azerbaijan so ऐसे इनमें भी काफ़ी civil war चल रहा है and they all are mostly Muslim dominated areas and they are nuclear also and they have very rich resources so they are very important at the moment then ethnic resurgence and identity wars 128 page है आपका I have reached here ethnic resurgence and identity it means identity wars means when you feel that you are one community because of some common trait aap wo ek common religion ho sakta hai common persecution ho sakta hai ki past mein common history jisko hum kehte hain jaise the jews hain they are tied together because of the holocaust jo adolf hitler ne unko treatment diya so something common it might be common history common race common language common religion common persecution uske koi identity hai ek aapka kuch matlab ek cheez identity hai aapki jiske karke aap ek community mein bandh jate ho
तो जब आप बन जाते हो देन यू फील लाइक हैविंग योर ओन टेरिटरी, यू फील लाइक हैविंग योर ओन एरिया वे यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, राइट? एंड यू हैव द एग्जांपल ऑफ पैलेस्टीनियंस, इसराइल से उनका झगड़ा चल रहा है बहुत सालों का, वेयर दे वांट टू हैव देयर ओन स्टेट, दे वांट टू बी सेपरेट. इनके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे यासीर अराफात, राइट? जिन्होंने बहुत कोशिश की थी, और वो इंदिरा गांधी को अपनी मुंह भोली बहन भी बोलते थे. ही यूज़ टू कॉल इंदिरा गांधी हिज सिस्टर. सो अमेरिका इज़ एंग्री विद अस आल्सो बिकॉज ऑफ आर सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन पीपल, बिकॉज पैलेस्टीनियन का झगड़ा है इसराइल के साथ, एंड इसराइल इज़ द largest buyer of weapons from America. Look how the world is related, right? यही beauty है political science की, that how when you support somebody, किसका गुस्सा किस पर निकलता है, that's how it happens. So we supported Palestinians, why? Because they are asking for a right to self-determination, right? And because we were also like the Palestinians once upon a time. उसका इफेक्ट इसराइल के थ्रू किसके ऊपर है, अमेरिका, विच कम्स ऑन आर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. एंड यस, आइडेंटिटी वॉर्स में यू हैव टू रिमेंबर दैट एक्सटर्नल इंटरवेंशन होता है, दैट समटाइम्स द आइडेंटिटी, पीपल आर लिविंग इन अ स्टेट एंड फॉर ईयर्स दे फील दे आर ओके इन दैट स्टेट, राइट? बट सडनली सम अदर फोर्स टेल्स देम दैट ओ यू नीड, आपके साथ गलत हो रहा है, राइट? The Khalistan movement was like that. Sikhs were always an integral part of India, but somehow they were told, and they are still being told from other countries that we are ready to send money, but marne ko aap tayar ho jao. So, but thankfully, Khalistan ke baad we have not got into any such problem. So, usually external factor hota hai jo aake batata hai ki aapke paas aapke saath bahut galat ho raha hai and you better take up arms and you better separate, right? So, there are lot of factors. It can be persecution, it can be psychological, economic, social and so on, right? And aapka agla jo hai wo hai aboriginal and indigenous movement. Ye jo aapke tribes hain, right? As I have told you before, जो हमारे लिए डेवलपमेंट है शहर के लोगों के लिए, वो शायद ट्राइब के लिए डेवलपमेंट नहीं है, राइट? व्हाट वी थिंक इज़ डेवलपमेंट माइट नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द ट्राइबल पीपल हु विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर फॉरेस्ट एंड दे आर द केयर टेकर्स ऑफ द फॉरेस्ट. अगर वो एक पेड़ काटते हैं, अगर वो स्लैश बर्निंग करते हैं, इफ़ दे डू बुश बर्निंग और स्लैश बर्निंग, देन दे ऑल्सो प्लांट ट्रीज एंड दे डू इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. So if they are displaced from their forest, they don't have education to help them, they don't have any skill, ek wo community bikhar jati hai, right? They are just thrown into the city where they are discriminated against. Unki apni ek civilization hoti hai, they have their own civilization. Par hame tribe se kya matlab lagta hai, jo pankh laga ke chal raha hai aur jo ajeeb kapde pehen ke, matlab unki alag attire hai. So we have strange notions about them, and they have no education, they have no skill to help them, they lose their identity, they lose their homes, ghar chhoot jata hai, forest hi unka ghar hai, community bikhar jati hai, language, script, everything goes for a toss, sab kuch unka bigad jata hai. To aur ye unko forest se kyun nikala jata hai, because there is a nexus between the smugglers, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन, राइट? जिसके करके जब पता लगता है कि एक फॉरेस्ट में इतने नेचुरल रिसोर्सेज है या वहाँ से कोल मिल रहा है, देन पीपल आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम. जिसको हम जंगल कहते हैं वो किसी का घर है, राइट? विच इज़ ऑल्सो गोज अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, बिकॉज यू कट ट्रीज, यू एक्सप्लॉयट ट्रीज एंड फॉरेस्ट, सॉरी, एंड इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल डैमेज, राइट? सो अगर आप मेघालय के बारे पढ़ो, वहाँ जो स्टेट्स हैं वहाँ वो दे कॉल द फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रोव्स, राइट? एंड और दूसरे नंबर पे अगर कोई फॉरेस्ट को बचा रहा है तो वो है आर्मी, राइट? आर डिफेंस फोर्सेस जहाँ जाते हैं वो प्लांट्स, ट्रीज प्लांट करते हैं, एंड यू कैन नॉट कट ट्रीज एंड ऑल, सो थैंक्स टू देम वी आर स्टिल अलाइव, राइट? एंड देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट. नाउ sometimes there are people who are displaced and they enter your country from other countries, right?
इसमें भी आपको पहले ही पता होगा विद पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान दैट इज़ बांग्लादेश ऑफ टुडे, वहाँ से रेफ्यूजीज वे पोरिंग इनटू द इंडियन बॉर्डर। अगर आपको वो याद नहीं है बट आपको याद होना चाहिए, बिकॉज दैट वॉज द विक्ट्री विच वी गॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर आपको वो नहीं है तो रीसेंट, आई लाइक टू गिव रीसेंट एग्जाम्पल्स, म्यांमार से रोहिंग्याज को भगाया गया था, देयर माइनॉरिटी उनको वहाँ से भगाया गया, एंड अगेन दे पोर्ड इन टू इंडिया एंड दे आर सेटल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट जम्मू में इनको गवर्नमेंट ने सेटल करने की बात की है। सो सीरिया से बहुत लोग भागे, दे हैव एंटर्ड इन टू यूरोप, राइट। एंड दूसरा, अगर आप इंट्रा स्टेट की बात करें, सो इन दिस आई कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द पंडित्स हुआर डिस्प्लेस्ड विद इन देयर ओन कंट्री, विद इन देयर ओन स्टेट। उनके लिए हम यूज़ वर्ड करते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। इंटरनल, द पंडित्स ऑफ कश्मीर वे फोर्स टू लीव देयर हाउसेज, देयर प्रॉपर्टी, एंड दे आर बिकॉज ऑफ दैट यू दे आर कॉल्ड दी, उनके लिए एक नया वर्ड कॉइन किया गया, फ्रेज कॉइन किया गया, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, राइट। सो दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। एंड देन यू हैव ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स, कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल, जिसमें आप बात करते हो इन योर बुक। लेट मी सी वॉट ऑल इज़ गिवन, गिव मी अ मिनट, बिकॉज टाइम थोड़ा है, अदरवाइज आई गो ऑन एंड ऑन। मुद्दे की बात करें, नॉन स्टेट एक्टर्स, इसमें आपके रिलीजियस मूवमेंट्स आ जाते हैं। अब सिर्फ इसमें आपने बाबा राम रहीम के बारे नहीं लिखना है, प्लीज़ आप बुक में पढ़िए, द दावत इस्लामी है, यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन पीस मूवमेंट है। हाँ, एक वर्ड मैं बताना चाहूँगी, डायस्पोरा। डायस्पोरा इज़ अ पॉपुलेशन विच हैज़ सेटल्ड अब्रॉड, राइट। जैसे बार बार बात होती है, द इंडियन डायस्पोरा मेट द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा टू टेल दम देर प्रॉब्लम्स, राइट। या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा कंग्रेचुलेटेड द इंडियन डायस्पोरा ऑन जन्माष्टमी और दिवाली और गुरपूर्व। अच्छा, सो वॉट इज़ डायस्पोरा? आपकी बुक में जो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हैं, पीपल द एमिग्रेंट्स और कम्युनिटीज़ विच लिव अब्रॉड इन होस्ट कंट्रीज़ बट मेंटेन सेंटिमेंटल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल टाइज विद देयर होमलैंड्स, डायस्पोरा। तो थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है बट सिंपल, आपने जो आपके NRIs हैं, ठीक है, जो आप, दैट इज़ द हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। देन कल्चर एंड ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स में योर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, योर IPL, योर ओलंपिक्स, योर कॉमनवेल्थ, योर ऑल दीज गेम्स कम इन टू इट, एंड ऑफकोर्स योर सोशल मीडिया। एंड एक नया जो आपको टूरिज़म दिया हुआ है, मैं उसे, टूरिज़म आप सबको पता है, मैं उससे एक स्टेप आगे जाऊँगी, मेडिकल टूरिज़म, राइट। इन इंडिया देर इज़ अ ग्रोथ ऑफ मेडिकल टूरिज़म। वॉट डज मेडिकल टूरिज्म मीन? इट मीन्स यू नो, इन अब्रॉड द सर्जरीज आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। चाहे वहाँ लोग पूरी उम्र पे करते हैं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नाउ एन ऑपरेशन विच वुड टेक मे बी 15 लैक्स इन अमेरिका और एनी यूरोपियन कंट्री, सो इंडिया ने इसको बड़ा एक्सप्लॉयट किया है। चंडीगढ़ के पास एक मेडिकल सिटी भी बन रही है। इन दैट 15 लैक्स पीपल आर कम फ्रॉम अमेरिका, यूरोप, राइट। द ऑपरेशन मे बी टेक्स 4 to 5 lakhs। रिमेंबर, इन अमेरिका इफ द ऑपरेशन इज कॉस्टिंग 5 lakhs, द नर्सिंग एंड घर में जो विजिट्स हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दैट वुड टेक इट टू 20 lakhs, राइट। सो इंडिया ने इस चीज़ को एक्सप्लॉयट कर रही है और भी करेगा। इट इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। द पर्सन कम्स, यू गेट योर सर्जरी डन इन मे बी 4 to 5 lakhs। आफ्टर केयर यहाँ बहुत चीप है और बहुत अच्छी है, राइट। सो यू कैन हायर अ नर्स, दैट हाउस एंड एवरीथिंग, दैट वुड टेक यू 3 lakhs, 4 lakhs मैक्सिमम। एंड देन 2 lakh में लोग इंडिया भी घूम के जा रहे हैं, राइट। दे गो टू ताजमहल, दिस आइटनरी। सो दिस इज़ नोन एज मेडिकल टूरिज्म, एंड इफ़ यू आर लिसनिंग, यू कैन जम्प इन टू इट, एंड इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। एंड रोल ऑफ NGOs में, आई वुड लाइक टू गिव द एग्जाम्पल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन टॉक अबाउट द ग्रीन पीस मूवमेंट विच इज़ वर्किंग फॉर द अपकमिंग, फॉर द
बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड यू हैव अदर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अभिषेक नेगी, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट टॉक अबाउट ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म इफ वी हैव द टाइम. एंड द एनजीओज आर क्लासिफाइड इन वेरियस वेज, रिलीफ, मोबिलाइजेशन, कई पॉलिटिकल हैं, कोई पॉलिटिकल एजुकेशन में है, कोई कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड यस, देयर इज अनदर वर्ड व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज सिविल सिटी, सिविल सोसाइटी. नाउ द गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट हैज़ अ पॉसिटी ऑफ फंड्स, राइट? बहुत ज़्यादा फंड्स की कमी है, बिकॉज जितने फंड्स, सी व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इट इज़ अनलिमिटेड नीड्स एंड लिमिटेड फंड्स, रिसोर्सेज, राइट? इसी को बैलेंस करने को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. नाउ एवरी गवर्नमेंट इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, राइट? कितना करें, राइट? जब तक वो पूरा करती है, आर एक्सपेक्टेशंस ग्रो हायर. सो सिविल सोसाइटी का बात हो रही है फ्रॉम द 1990s. सिविल सोसाइटी इज़ व्हेन द पीपल डिसाइड दैट ओके द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग इट, लेट्स डू इट टुगेदर, राइट? सो जैसे अभी कोरोना के टाइम हुआ था दैट सम माइग्रेंट लेबरर्स वे स्टेइंग इन अ स्कूल, सो दे सेड लेट्स पेंट द स्कूल, राइट? गांव में सड़क नहीं बन रही है तो लोग कहते चलो हम पूल इन करें. कोई स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहा है तो लोग कहते हैं चलो हम कंट्रीब्यूट करके वी कैन ऑफर आर सर्विसेज. जैसे चंडीगढ़ में दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम दैट यू कैन वॉलंटियर, जो रिटायर्ड लोग हैं दे कैन वॉलंटियर टू टीच इन द स्कूल. सो समी टीचर्स ज्योग्राफी, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, दे रिटायर्ड. सो वन आवर दे स्पेंड विद द चिल्ड्रन. सो सिविल सोसाइटी, when the society starts looking after it and contributing, right? So this is, I think it's already time. Abhishek Negi, if you don't mind, I will post this answer to Mr. Tejpal and he can post it on the net, right? On the site, so that everybody can read it. The time is over because you told me at the last minute, but don't worry, I will send this answer in an easy way to IGNOU Center, to Mr. Tejpal, and he can put it on the site so everybody else can also read, right? So it's been very nice and I hope you have liked what I have spoken to you today. Believe me, ये तो पूरा एक semester का काम था और मुझे ये तैयारी करने के लिए एक दो घंटे लग जाते हैं, because I just have to see what is important. जैसे diaspora है, civil society है. Once upon a time, I did not know these words, so I picked up only that stuff which I thought would be difficult for you. So any queries, you can tell me. I thank IGNOU for giving me this chance, and please, I am repeating again, jo bhi assignments hain, hum baithe hain assignments check karne ko. Jab bhi time theek hoga, IGNOU people will tell you where and how to deposit your assignments. You keep writing them, वो काफ़ी ज़्यादा assignments होती हैं. Keep writing them, do a good job with them and wait for instructions from IGNOU. ये जैसे ही बोलेंगे आप submit करेंगे, हम check कर देंगे, right? So and we are very liberal with that also because you do a very fine job. So please keep in touch with IGNOU. मैंने बताई दी हैं problems Mr. Tejpal को. I think they would have some plan of action. Remember, they are also working in a moment of crisis. So let's make work easier for everybody, and I will see you again whenever the IGNOU people tell me to do so, right? Thank you so much, and looking forward for your feedback so I can improve myself, because I might be an assistant professor and I'm very proud to teach in DAV college, which gives me a lot of opportunities. But I still consider myself a student of political science. So I learn from wherever I can. So please give me your feedback so I can teach successive batch of students better. So hope to see you soon. Bye-bye for now. Thank you. Stay safe.